नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवभूमि द्वारका के गोमती घाट पर। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि यहां पर चक्रवात का असर दिखना शुरू हो चुका है, बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। रेड अलर्ट कल के लिए यहां पर जारी किया गया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यहां पर किस तरीके से लहरें उफान पर है। यहां पर 10 से 15 फीट तक लहरें हैं और ये समंदर के रंग का पानी का रंग भी पूरी तरीके से बदल चुका है। और यहाँ पर बड़ी सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा है, ऐसे में यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर की गई है, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कुछ देर के लिए बारिश रुक जा रही है, लेकिन कल के लिए रेड अलर्ट है, कल यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा परसों का दिन भी आप मेरे पीछे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना लेवल नहीं रहता है। किस तरीके से लहरें इन सीढ़ियों को भी पार कर रही है ये देवभूमि। यहाँ पर आप देखिए उस तरफ की तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर डेंजर भी लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना विकराल रूप ले लिया है इन लहरों ने। और यहाँ पर हम भी बड़ी सावधानी से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इसका असर गुजरात के कई जिलों में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अहम है देवभूमि, जहाँ पर खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। और यहाँ पर जगह जगह पर टीमों को डिप्लॉय किया गया है। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, कल ये रफ्तार यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसे में जो भी लोग हैं, क्योंकि गोमती घाट पर वैसे श्रद्धालु आमतौर पर रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सबके आने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ यहाँ पर लोकल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, एसडीआरएफ की टीम की डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा एनडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। और आगे अगर हम उस तरफ आपको दिखाते हैं, देखिए ये डिप्लॉयमेंट है और यहाँ पर जो ये आप रंग देखेंगे वो भी पूरी तरीके से बदल चुका है। और इस तरीके से, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि हवा का रुख क्या रहता है, किस तरीके से यहाँ पर ये लहरें ये यहाँ पर पूरे घाट तक आ चुकी है। और ऐसे में बड़ी सावधानी से, और मैं आपको बताऊं कि गुजरात में अब बारिश शुरू हो चुकी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। यहां पर सबसे ज्यादा असर कच्छ पर पड़ने की उम्मीद है और मछुआरों को भी दूर रहने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा जितने भी पोर्ट्स हैं वहां पर भी सिग्नल होते हैं। दरअसल सिग्नल में जो 1 से 11 तक की नंबरिंग होती है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, उस आधार पर ताकि जो जहाज हैं, जो नाविक हैं, वो अपनी दिशा को बदल सके। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब इस तूफान का असर पूरी तरीके से दिखना शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताती हूँ कि गुजरात में इस वक्त अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है और प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है, लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तूफान बहुत जल्द तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी। और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं, छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच बड़े पैमाने पर राहत बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है और तूफान बिपरजॉय जहां से गुजरेगा वहां लोगों को मदद की जरूरत होगी। इसीलिए राहत बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ, इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की
522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगा कर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि ये चक्रवाती तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कोस्ट गार्ड ने मार निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रिस्पांस टीम रात और बचाव के लिए स्टैंड बाई मोड पर है। 2 गुजरात तट के पास और 5 महाराष्ट्र तट के पास तैनात किए गए हैं। साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार है। आने वाले खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। तूफान का असर रेलवे यातायात के ऊपर भी पड़ा है, लिहाजा एहतियातन गुजरात में 125 से ज्यादा ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके साथ ही रेलवे के भी कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। हेल्थ यूनिट के साथ रिलीफ ट्रेन भी तैयार है। सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस मॉनसून इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम हमारी जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। गुजरात के 4 जिले देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। मार्ग मकान की 95 टीमें, ऊर्जा विभाग की 577 टीमें संभावित नुकसान को दूर करने के लिए डिप्लॉय की गई हैं। यानी तूफान के खतरे से निपटने के लिए हर तैयारी की गई है। देवभूमि द्वारका में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब भारी बारिश शुरू हो चुकी है। खड़ा होना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। हवा का रफ्तार भी काफी ज्यादा है। यह आप देखेंगे उधर किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की तैनाती है और अब यहाँ पर ये बिपरजॉय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे किस रफ्तार से यहाँ पर लहरें हैं जो कि इस तरफ आ रही है। ऐसे में तटीय इलाकों से लोगों को दूर किया जा रहा है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। हम आपको ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं जो काफी अहम हो जाती है। एसडीआरएफ की तैनाती है क्योंकि देवभूमि है। ऐसे में जो यहाँ के गृह राज्य मंत्री है हर्ष सांघवी, उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली हुई है। उधर अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, देखिए जो समंदर के पानी का रंग है वो भी पूरी तरीके से बदल चुका है। मछुआरों को अंदर जाने से रोक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से पानी सीढ़ियों को पार करता हुआ आगे तक आ रहा है, उस तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं सावधानी से, क्योंकि लहरें इस तरफ आ रही है। हवा की रफ्तार पर सब कुछ आगे निर्भर करेगा क्योंकि गंभीर श्रेणी में ये तूफान है। गंभीर श्रेणी का मतलब ये होता है कि नुकसान इसका हो सकता है। ऐसे में कम से कम नुकसान हो, कम से कम जनहानि हो, तो इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हवा की रफ्तार, जो कि अनुमान यह है कि 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां पर चल सकती है। ऐसे में मुश्किल हालात है यहां के लोगों के लिए। कोई किसी को भी यहां पर आने से रोका गया है। कल परसों यानी कि 15 तारीख तक यहां पर स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी और यहां पर खड़े होना तक मुश्किल हो गया है क्योंकि हवा आप देखेंगे कि बारिश शुरू हो चुकी है। पूरे गुजरात में यह असर दिखना शुरू हो चुका है। किस तरीके से यहां पर पानी भर रहा है और मैं आपको अब कच्छ की रिपोर्ट दिखाऊंगी जहां पर मेरे सहयोगी जनक दवे मौजूद थे। कोस्ट गार्ड भी मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं और वहां पर किस तरीके से कोस्ट गार्ड की तैयारी है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए हम देख रहे हैं। साइक्लोन विपरजॉय को लेकर भारतीय कोस्ट गार्ड का जो कमांड कंट्रोल रूम है जखों में वो राउंड द क्लॉक चालू है। वहाँ से मिनट टू मिनट अपडेट लिए जाते हैं। हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट से जो फोरकास्टिंग आती है उस फोरकास्टिंग को यहाँ पर देखा जाता है। अभी हम दिखाएंगे कि इस तरह यहाँ पर दिखाएं कि स्टॉर्म वार्निंग किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म विपरजॉय
प्रोनाउंस द रिपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग द एक्सटर्नल अरेबियन सी। तो ये लगातार इस तरीके से अपडेट आते हैं, उनको जो इक्विपमेंट है उससे जो शिप हैं वहाँ पर उनको ये पास ऑन किया जाता है और लगातार सेटेलाइट से जो अपडेट्स मिलते जा रहे हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो VHF ये इक्विपमेंट है वो लगातार जो शिप हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है वहाँ पर कि किस तरीके की रफ्तार होगी, क्या होगा, शिप को मूवमेंट किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें VHF से यहाँ पर सुनी जाती है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वहाँ पर यहाँ देखेंगे आप कि ऑलरेडी साइक्लोन पर पैनी नज़र रखी जा रही है, मिनट टू मिनट अपडेट यहाँ से लिए जा रहे हैं, सेटेलाइट इमेजरी जो है वो विंडी की ओर से जो अपडेट आ रहे हैं IMD भी इसको फॉलो किया जाता है और उसके बाद सिस्टम को दिया जाता है। अब उसके आगे बाकी जो कोऑर्डिनेशन एजेंसियाँ हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में रहते हैं। ऑप्स का जो सेंटर है यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्स रूम है, वहाँ पर अंदर आपको ले जाएंगे कि वहाँ पर बाकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कोऑर्डिनेशन एजेंसियाँ हैं उनके साथ बातचीत होती रहती है। नेवी के साथ जो कोस्ट गार्ड की बातचीत है वो भी इस तरीके से लगातार एक दोनों जो है अधिकारी वो वहाँ से बातचीत करते हैं और अपडेट दोनों जगह पे लिए जाते हैं, यानी कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर जो अपडेट किए जाएं वो यहाँ पर दिखे जाते हैं, लगातार संपर्क लिए जाते हैं। यहीं पर देखें दूसरी तरफ भी यहाँ विंडी पर नज़र रखी जा रही है कि ये ट्रैक क्या होगा और ट्रैक के चलते कहाँ कितना नुकसान हो सकता है, इस ट्रैक को भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है, यानी कमांड कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक चलता है और यहाँ पर अब मिनट टू मिनट अपडेट्स हैं वो लिए जाते हैं और अपडेट आगे भी भेजे जाते हैं जहाँ पर उनकी मूवमेंट करनी है, रेस्क्यू रिलीफ करना है या फिर उनके शिप जहाँ पर कोस्ट गार्ड के हैं वहाँ पर उन चीज़ों को अपडेट किया जाता है। तो कोस्ट गार्ड सेंटर का मेरे सहयोगी ने जायजा लिया था, उस दूसरी तरफ पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि चक्रवात पेपरजॉय का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और यहाँ पर मिनट टू मिनट जानकारी वो ले रहे हैं ताकि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद यहाँ पर गुजरात सरकार तक पहुँचाई जा सके जिसकी वजह से नुकसान कम से कम हो। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तूफान को देखते हुए दिल्ली से गुजरात तक राज्य के साथ केंद्र सरकार एक्टिव मोड में है। SDRF के साथ NDRF और कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है तो रेलवे भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। साइक्लोन के देखिए तीन फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल, इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास डीप डाइवर हैं, स्विमर हैं और इसके कारण हाई विंड के कारण कहीं कच्चे मकान हैं, ओवरहेड पावर लाइन है या कहीं रोड ब्लॉक होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। गुजरात में कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के तटीय इलाकों से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो निचान वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज में इसी प्रकार से शेल्टर होम हर एक तालुका में बनाए गए हैं, वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ शिफ्ट किए गए लोगों के लिए की गई है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कच्छ में धारा 144 लगा दी गई है, 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद हैं। पूरे हालात पर पीएम मोदी खुद नजर रखे हैं। सोमवार को ही पीएम मोदी ने तूफान पर हाई लेवल बैठक की थी। बैठक के बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम बने, राहत शिविरों में बिजली, फोन, इलाज और पानी से जुड़ी सुविधाएं जरूर हों, वक्त रहते लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए, इंसानों के साथ मवेशियों का भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही कमांड सेंटर के 24 घंटे एक्टिव रहने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के CM के साथ टेलीफोन पर बात की और तूफान को देखते हुए सरकार की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान PM ने आपदा की स्थिति में गुजरात की हर संभव मदद का भरोसा दिया। CM भूपेंद्र पटेल ने खतरे को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है और गांधीनगर में बनाए गए आपातकाल ऑपरेशन सेंटर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। खाने की व्यवस्था और जो कोई आवश्यक चीजें हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये सभी क्षेत्र के अंदर खास तौर पे जो
राशन की दुकान सरकारी होती है, वहाँ पे पर्याप्त राशन भी प्रोवाइड किया गया है और सभी जगहों पे समय सर राशन पहुँच पाए उसके लिए व्यवस्था की गई है। बिजली, पानी और रोड, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए भी टीम बन चुकी है और सभी टीम अपने अपने क्षेत्रों में कामगिरी कर रही है। बिपोरजॉय के टकराने के दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।